अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी टीवी। आज का जो हमारा व्लॉग है ये बहुत ख़ास है। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट आ रही थी और आप लोगों की तरफ से एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि घरों के बारे में भी आपको बताया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो अपना सफारी होम्स हैं सेक्टर बी एक्सटेंशन फेज़ 8 के अंदर हम खड़े हैं। और यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है एक और प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है बड़े अल्हम्दुलिल्लाह टाइम फ्रेम के अंदर। ये आप 8 मरले का एक देख रहे हैं घर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, जो अभी हमने ये कंप्लीट किया है और इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में एंड तक आप हमारे साथ रहें, हम आपको बताएंगे कि इस एरिए में क्या चल रहा है और घर का डिज़ाइन, घर की फिनिशिंग, सारा कुछ, इसकी अकोमोडेशन और इस एरिए के अंदर जनरल रेट्स क्या चल रहे हैं इस वक्त। और वीडियो के टाइम के हिसाब से रेट्स में बड़े स्पीड से फ़र्क भी आ रहा है, तो आप हमारे साथ एंड तक रहें इंशाल्लाह ताला। और आपको इस व्लॉग से जो है ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। जो लोग अपना घर बनवाना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है 360 डिग्री सॉल्यूशंस की इस्लामाबाद पिंडी में। तो आप लोग जो हैं अभी जो है इस घर को देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगा। ये अभी आप देख रहे हैं घर का पोर्च, ये असल में ट्विन यूनिट घर है। इसकी सीलिंग आप देखें कितनी खूबसूरती से फिनिश की गई है। इसके सामने आप एरिया देख रहे हैं, गेट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और बड़ा प्यारा मौसम भी है इस वक्त। आप देख रहे हैं बादल आए हुए हैं। अब ये सामने देख रहे हैं ये जो अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा मेन एंट्रेंस है, साथ लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए जो है एंट्रेंस दी गई है सेपरेट, और साथ में राइट साइड पे भी हम जो है इंटर करेंगे इनटू द ड्राइंग रूम ऑफ द होम। अब आप ड्राइंग रूम की तरफ हम जा रहे हैं, ये अभी हम ड्राइंग रूम में एंटर हो रहे हैं। ये यहाँ से बाहर से एक रास्ता है, अंदर से भी इसको कनेक्ट किया गया है। ऊपर आप सीलिंग देख रहे हैं, शैंडलियर्स देख रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने इसको कंप्लीट किया है और ये जो है फिनिश हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं किए गए हैं। विंडो सामने आ रही है और विंडो जो है उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है सारा वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम जो है वो आपको करके देते हैं विद इन अ टाइम। अगर आपने घर बनवाना हो, ये सामने देखें वुडवर्क का और ग्लास का कितना खूबसूरत काम है जो कि टीवी लॉन्च से इसको सेपरेट कर रहा है। तो ये एक छोटा सा व्यू है इसके ड्राइंग रूम के साथ, आप देखते जा रहे हैं इस पर कितनी खूबसूरत जो है मंजर पेश कर रहा है। तो ये एक बहुत ही प्यारा घर है रहने के हिसाब से और ये लोकेलिटी के हिसाब से भी बहुत ही खूबसूरत जगह पे वाक़ है, जो कि सफारी होम सेक्टर बी एक्सटेंशन फेज 8 है। अभी जो है हम इंटर कर रहे हैं टू द टीवी लॉन्च। ये भी आप देखिए कितनी प्यारी सीलिंग है और लाइटिंग का कितना ज़बरदस्त जो है वो रूफ के अंदर जो है किया गया है, और लाइट इतनी ज़्यादा माशाल्लाह है कि आपको बड़ा अच्छा फील होगा। सामने आप देख रहे होंगे टीवी लॉन्च की जो है वो कवर्ड है, बिल्कुल वुड वर्क से तैयार की गई है। और ये अब आप सामने देख रहे हैं दो इसमें बेडरूम्स हैं। ये ओपन अमेरिकन किचन है जिसके अंदर आप देख रहे हैं सीलिंग का काम ऊपर वुड वर्क के साथ बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। ये जो है कबर्ड्स हैं, इसमें बर्नर लगे हुए हैं, इसमें आपको सारा जो आपको रिक्वायरमेंट होती है किचन की वो सारी प्रोवाइडेड है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे ये आपको मैं सारा ही दिखा रहा हूँ, इसमें आपकी बर्तन स्टोर करने के लिए, सामान रखने के लिए सारा कुछ जो है वो मौजूद है। डिशेस आपने प्लेस करनी है, आपका पास सिंक, अब हमारा ये सिंक बिल्कुल फुली ऑपरेशनल है, रेडी है। तो ये कबर्ड्स भी आप देख रहे हैं जो जिस तरह की क्वालिटी का आप चाहेंगे वो काम आपको करके दिया जाएगा। एग्जॉस्ट भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा बर्नर के ऊपर, और ये जो है वो HS का लगा हुआ है और यह अभी जो है बिल्कुल फिनिश हुआ है, नया नया बिल्कुल घर अभी फिनिश हुआ है। तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए घर की, आपको दिखाया जाए डिज़ाइन और फिनिश वर्क। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हमारे चौकीदार साहब की पड़ी हुई हैं अंदर जो आप देख रहे हैं अंदर कबर्ड, क्योंकि यहाँ पर गार्ड होता है रूम इधर घर के ऊपर। तो ये जो आपसे शेयर कर रहे हैं मकसद है कि आप तो देखें कि किस क्वालिटी का घर। टाइल्स देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत तरीके से प्लेस की गई हैं, टाइल लगी हुई है नीचे सारी। और ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा मंजर है। ये देखें अभी आपको दिखा रहा हूँ वुड वर्क जो है दरवाज़ों का है, अंदर कबर्ड्स हैं, सीलिंग आप देख रहे हैं, साथ पीछे विंडो आ रही है बैक गैलरी के साथ। और ये अंदर हमने फिर कवर जो है रूम के अंदर इस तरह से फिट की है इस वाले रूम में, बेडरूम में जो वॉशरूम के साथ, ताकि कमरा जो है उसके जो है कुशादगी पे फ़र्क ना आए। और कमरा आपको काफ़ी यानी जो है स्पेस इसमें प्रोवाइड कर रहा है रूम जो है बेडरूम। अभी हम आपको दे जा रहे हैं, देखें ये कवर्स हैं और अच्छी खासी स्पेस है कवर्स के अंदर भी, जहाँ अपने आप कपड़े और सामान को प्लेस कर सकते हैं। अभी ये वॉशरूम आप देख लें, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नज़र आ रहा होगा कुशादा है, सीलिंग वर्क हुआ हुआ है इसके अंदर भी और काफ़ी ज़्यादा जो है फिनिशिंग के ऊपर फोकस किया गया है। आप मिरर भी देख लीजिए, काफ़ी फुल साइज़ मिरर है, सारी चीज़ें जो हैं
अप टू द वर्क है और हमने क्वालिटी को फोर्स किया कि इसको बनाया जाए। अभी आप दिखाता हूँ, बैक साइड पे गैलरी है और पीछे आप मंजर देख रहे हैं, सारा ये बाद इलाका है सारा। ये पीछे जो गैलरी आ रही है इसके अंदर आप गीज़र पॉइंट है, यहाँ पे आप गीज़र इंस्टॉल करना चाहें तो गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हमने ओपन छोड़ दिया था पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पीछे काफ़ी एरिया है इसके, जो यहाँ पे गीज़र पॉइंट आप देख लें, साथ में पीछे आप उसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना जो है कपड़े धोने के लिए वॉशिंग एरिया है, आप ये वॉश कर सकते हैं। यहाँ पीछे भी देखें हमने रूफ के अंदर कितनी अच्छी लाइटिंग दी हुई है। दूसरा बेडरूम अभी आपको दिखा रहा हूँ, साथ वाला जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, असल में टू बेडरूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और ये आप देखें सीलिंग वर्क और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इसको एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट को तैयार किया गया है। और इसके अंदर छोटी सी विंडो भी साथ दी गई ताकि रोशनी का इंतजाम रहे। और वॉशरूम आप देख लीजिए, वॉशरूम के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से हर तरफ हमने सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे आपको एक तो अंदाज़ा हो रहा है क्वालिटी ऑफ वर्क का, और जो स्पेस है 8 मरले के घर के अंदर उसको कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आपने अगर ख़ुद घर बनाना हो तब भी आपको उससे फ़ायदा होगा, और अगर आपने हमसे सर्विसेज यूज़ करनी हो तो आपके लिए प्रोवाइडेड नंबर्स हैं वीडियो के ऊपर, इस पर आप कॉल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी जो टीम है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमारी कंपनी की, वो आपसे रब्ता कर लेगी और आपके साथ चीज़ों को फाइनलाइज करेगी। 360 डिग्री सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं इस्लामाबाद पिंडी में। और ये आप देख रहे हैं कि अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर हमारा जो डुप्लेक्स जो है घर का एरिया, ये भी हम यहाँ से एंटर हुए हैं मेन डोर से, और हम अभी स्टेयर्स से होते हुए ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे कितने ज़बरदस्त तरीके से मार्बल लगी हुई है जी, स्टेयर्स के अंदर मार्बल का यूज़ किया गया है। और ये देखें मार्बल लगा हुआ जी, और साथ में टचअप्स भी मार्बल की लगी हुई हैं, और रीलिंग जो है वो आयरन की है, ठीक है, और उसको मैच किया गया कलर स्कीम के साथ वुड वर्क के। नीचे ऊपर नीचे भी टाइल्स देखें लगी हुई हैं, टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर भी आप देख लें टू बेडरूम्स हैं ऑन द अपर फ्लोर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे ये अमेरिकन किचन आ गया बिल्कुल नीचे ही की तरह है। और आप देख लें यहाँ पे भी बर्नर इंस्टॉल है, अच्छा इसका एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, सारा जो है कबर्ड्स हैं, डिश वॉशिंग आपकी जो सिंक है, प्लस आपका जो है डिश स्टोरेज के लिए चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो ये आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की गई है कि जितना एक कंप्लीट आपको जो है पूरा एक सेटअप प्रोवाइड किया जा सके वो हम करें। और इस वीडियो के अंदर आप डिज़ाइन भी देख रहे होंगे, एक तो आजकल जो अच्छा डिज़ाइन जो इन है जिसको हम कहते हैं वो है अमेरिकन किचन, ताकि फैमिली जो है आपस में अटैच रहे। और ये जो आप देख रहे हैं सीलिंग का काम हुआ है ऊपर का, सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इसी तरह से वुड वर्क की बहुत अच्छी एक अलमारी जो है टीवी लॉन्च में इंस्टॉल की गई है, और टीवी लॉन्च के बिल्कुल साथ इसको एज अ बेडरूम या ड्राइंग रूम आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कोर बेडरूम में 3 बेडरूम आप कह सकते हैं, या लाउंज बनाना चाहें वो आपके ऊपर है टीवी ड्राइंग रूम। इसके अंदर भी कबर्ड्स मौजूद हैं, साथ अटैच वॉशरूम है, सामने विंडो ओपनिंग टुवर्ड्स द मेन रोड जो अपना स्ट्रीट आ रहा है इस एरिया में। आप देख सकते हैं अंदर कितना प्यारा जो उसके डेकोरेशन का सारा काम किया गया है और कितनी सफाई के साथ किया गया है। और ये भी अब देखें वॉशरूम जो अटैच है उसकी भी क्वालिटी ऑफ वर्क मैं आपको दिखाता हूँ। आप वुड वर्क देख लें, आप डोर्स का काम देख लें, आप सीलिंग का काम देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको काम पसंद आएगा और घर भी आपको डिज़ाइन वाइज और काम के लिहाज से पसंद आएगा। आप देख लीजिए वॉशरूम के अंदर टाइल्स का जो है एक डिज़ाइन किया गया है और जितनी सहूलत दी गई है, और इसके अंदर काफ़ी खुशादा रखा गया है, साइज़ बड़ा रखा गया है इसकी, इवन जो खिड़की हैं या रोशनदान हम कह लेते हैं वॉशरूम्स की वो भी रखी गई, ताकि जो आपको है नेचुरल जो है लाइट वो अवेलेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब फैमिली घर में रहती है। अभी आप देख रहे होंगे कितनी तरीके से हमने कबर्ड डिज़ाइन किया, इसमें आप डेकोरेशन पीसेज अपने टीवी गैजेट्स और सारा कुछ इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इस कबर्ड में। अभी हम बेडरूम में इंटर हो रहे हैं, और ये जो सेकंड बेडरूम है इसका बैक साइड पे आप देख रहे हैं विंडो आ रहा है, सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, और लाइटिंग भी आप देख रहे हैं, फिनिश वर्क भी देख रहे हैं सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी टाइल्स का यूज़ किया गया है और मौसम बहुत प्यारा है। बैक पे आप देख रहे हैं व्यू आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी लवली एरिया, हिल थोड़ा सा हाइटेड है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आबाद एरिया है। तो यहाँ पे भी आप इस रूम को देख सकते हैं, यहाँ पे कबर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं जिस तरह से इंस्टॉल की गई हैं, कोशिश की गई है कि स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए और स्पेस जो है वो ज़ाया ना हो। अभी ये अब हम इंटर कर रहे हैं इनटू द वॉशरूम, और आई विल शो यू द वॉशरूम इन दिस रूम। हर कमरे से तकरीबन अटैच वॉशरूम है और वैनिटीज़ यूज़ की गई हैं यहाँ पे सारे वॉशरूम्स के अंदर। आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स का जो वर्क है वो, बाकी चीज़ें एग्जॉस्ट फैन एंड सीलिंग एंड एवरीथिंग इज़ देयर।
और आपको फिनिशिंग का अंदाज़ा हो रहा होगा, और प्लस डिज़ाइन का भी, किस तरह से 8 मरले के घर के अंदर आप एक प्रॉपर 5 बेडरूम का घर बना के यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आजकल मार्केट डिमांड है कि ट्विन यूनिट हाउसेस को ही पसंद किया जाता है और ट्विन यूनिट हाउसेस ही का ट्रेंड है, तो हमने इस पर फोकस किया। अभी मैं आपको जो डोर दिखा रहा हूँ ये ऊपर हो रहा है टेरेस की तरफ। अभी हम टेरेस पे आ गए हैं घर के, एक स्मॉल टेरेस प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर आप अपना बाहर बैठ के मौसम को इन्जॉय कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर जो काम किया गया है वो भी आपको नज़र आ रहा है, और प्लस सामने देखिएगा अब ये सारा बिल्कुल कितना आबाद एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अभी हम जा रहे हैं रूफ टॉप पे, ये स्टेयर से होते हुए स्टेयर आप देख लीजिएगा कि सेम क्वालिटी ऑफ द मार्बल इज़ यूज्ड। ठीक है, अब हम रूफ टॉप की तरफ जा रहे हैं। अभी हम ये रूफ टॉप पे पहुंच गए हैं। रूफ टॉप पे पहुंचेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये रूफ टॉप के ऊपर जो है हमने ममटी बनाई है एज अ सेवन रूम्स आप कह सकते हैं। ये अभी रूफ टॉप हो गया, यहाँ पर चिप्स का काम हुआ हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। आपको सारी क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा है। ये जो इस वाटर टैंक ये रूफ टॉप पे ये बनाया गया है, ये साथ में अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये है 7 क्वार्टर जो ममटी के होती है, उसको 7 क्वार्टर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा एरिया आ जाता है रूफ टॉप पर, जहाँ पर आप फैमिली के साथ अपना बारबेक्यू या अपना आउटिंग या कोई डिनर या पार्टी कर सकते हैं अरेंज, और घर के अंदर ही जो है आप अपना पूरा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं रूफ को। तो ये देख रहे हैं अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ अंदर जो है ये 7th रूम है जो कि बेसिकली ममटी है। यू कैन यूटिलाइज इट एज 7th रूम और स्टोर। अभी इसके साथ भी अटैच बाथरूम दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं इसको। अगर आप मैं जिस तरह से भी डिज़ाइन करना हो वो फिर आपके ऊपर होता है, इस पर जो क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट इसको किया गया डिज़ाइन। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी थोड़ा सा चीज़ें जो है जब क्लाइंट अपना फाइनलाइजेशन करेंगे तो वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इंस्टॉल कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिनिश वर्क, और प्लस इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ दी 7th क्वार्टर, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर आल्सो। तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन है एक 8 मरले के प्लॉट के ऊपर प्रॉपर घर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहें। और जहाँ तक डिटेल्स की बात है तो आप उसके लिए हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राइसिंग और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह ही हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।